So hello everyone, once again welcome back to this channel. This is lecture number 18 of fluid mechanics video lecture series, and in this lecture we are going to continue our remaining topics of Newton's law of viscosity. So दोस्तों, इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में, जिसमें हम लोग जो हमने पढ़ा था उसमें ये था कि जो tau आपका था, जो शियर स्ट्रेस था, हमने ये पढ़ा था न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग कि जो tau था वो प्रोपोर्शनल था अगर du अपॉन dy के, तो इसको हम लोग बोल रहे थे न्यूटोनियन फ्लूइड, और अगर ये प्रोपोर्शनल नहीं चल रहा था तो फिर वो कह रहे थे कि उसको हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड भी कह रहे थे. ठीक, हमने कहा था कि अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा और डीपली इसको समझेंगे कि न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में क्या कॉन्सेप्ट हैं, कैसे कैसे उसको बाइफर्केट किया जाता है, तो इन चीज़ों को हम इसके बाद भी समझ सकते हैं. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि एक डायग्राम होता है, रियोलॉजिकल डायग्राम. ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो रियोलॉजिकल डायग्राम में मतलब क्या है, सिंपल कि एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो कह सकते हो कि जो फ्लूइड डिफॉर्मेशन के ऊपर स्टडी करती है. मतलब कह सकते हो कि जैसे आपका कोई फ्लूइड डिफॉर्म कर रहा है किसी यूनिट स्ट्रेन के ऊपर, तो उस बिहेवियर की जिसमें स्टडी होती है उसको हम लोग रियोलॉजिकल डायग्राम कहते हैं. ठीक है, जरा पॉज करना है. ठीक है, तो ये जो रियोलॉजिकल डायग्राम है, रियोलॉजिकल में जो ये रियोलॉजी वाला वर्ड आ रहा है, इसे रियोलॉजिकल बना है, तो रियोलॉजी मीन सिंपल होता है कि स्टडी ऑफ फ्लूइड डिफॉर्मेशन. मतलब जैसे कह सकते हो अगर हम ऐसे लिखते हैं रियोलॉजी, तो इसका मतलब होता है इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द, कह सकते हो सिंपल आपकी डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड. मतलब इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किस चीज की, डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड की, जब उसके ऊपर हम कोई यूनिट स्ट्रेन लगा रहे होते हैं तो. ठीक है, तो अगर इसमें हम लोग बात करते हैं कि अब ये मतलब क्या होगा, तो जैसे देखो स्ट्रेस इंड्यूस होगा विस्कोसिटी की वजह से, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग क्या करेंगे सिंपल कि अगर कोई फ्लूइड है, तो जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में, तो उसके ऊपर जब यूनिट स्ट्रेन लगाया जाएगा तो उनका बिहेवियर क्या होगा, कैसे वो डिफॉर्म कर रहे होंगे, तो उस कैटेगरी में हम लोगों ने फ्लूइड को डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, तो बेसिकली एक इसका ग्राफ होता है, अगर हम उस ग्राफ से समझेंगे इसको तो समझना आसान हो जाएगा, जो डायग्राम मैंने लिखा हुआ है. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो लाइन लेके चलते हैं, एक शियर स्ट्रेस की और एक आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट का. जो आपकी वाई एक्सिस है ये आपका होता है शियर स्ट्रेस. ठीक, और जो आपका एक्स एक्सिस होगा वो होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट का. मतलब कि यहां पे हम लोग इस एक्सिस पे कह सकते हो कि ये टाउ वाला एक्सिस है और ये आपका डी यू अपॉन डी वाई वाली एक्सिस है. मतलब कि यहां पे हमें एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी ग्रेडियंट रखना है. ठीक, और ये जो एक्सिस होगी ये पूरी की पूरी कह सकते हो कि ये आपका शियर स्ट्रेस होगा टाउ. ठीक, अब हमने क्या बताया था कि जब हमारा शियर स्ट्रेस, पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि जब शियर स्ट्रेस डी यू अपॉन डी वाई के प्रोपोर्शनल होगा तो वो फ्लूइड होगा न्यूटोनियन फ्लूइड. तो उसका मतलब क्या है कि जब आप लाइन खींचोगे तो देखो अगर इसकी वैल्यू वन है तो इसकी वैल्यू वन होगी. ठीक है, इसकी वैल्यू टू होगी, इसकी वैल्यू भी टू हो जाएगी. तो यानी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा 45 डिग्री पे. तो आप कैसे प्लॉट करोगे इसको, सिंपल इस तरीके से कि ये ऐसे एक आपको लाइन मिल रही होगी जो इन दोनों को बीच से डिवाइड कर रही होगी. मतलब जैसे जैसे आपका शियर स्ट्रेस बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट भी आपका बढ़ रहा है. तो ये जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं आपका न्यूटोनियन फ्लूइड. मतलब इसको हम लोग सिंपल कहते हैं, जो स्ट्रेट लाइन है दिस इज कॉल्ड एज न्यूटोनियन फ्लूइड. ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, टाउ प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई.
ये मतलब हुआ इस लाइन का, ठीक। तो न्यूटनियन फ्लूइड का लाइन ऐसे बनेगा। अब इसके अलावा जो भी चीजें होंगी, मतलब अब जो फ्लूइड इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे बहुत से लिक्विड होते हैं, मैंने कल बताया था आप लोगों को कि जैसे हम लोग इंजीनियरिंग फ्लूइड में वाटर लेते हैं, ठीक है, कह सकते हो कि पेट्रोल हो गया, किरोसिन ऑयल हो गया, मर्करी हो गया, तो इन सबों में क्या होता है कि ये सारे के सारे इंजीनियरिंग फ्लूइड हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जो हम मशीनरी यूज करते हैं, जैसे आप मैनोमीटर यूज करते हो, बाइक यूज करते हो, कार यूज करते हो, या अपनी डेली लाइफ में जो लिक्विड यूज करते हो, तो ये सब क्या है कि इंजीनियरिंग फ्लूइड कहे जाएंगे, क्योंकि ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो करते हैं, मतलब कि इसमें एक स्ट्रेट लाइन बिहेवियर मिलता है। लेकिन इनके अलावा भी बहुत से लिक्विड हैं जो हमें देखना है, जैसे कह सकते हो पेंट, टूथपेस्ट, बटर, मिल्क, ब्लड, हनी, स्टार सॉल्यूशन, ये सारे लिक्विड और भी हैं जो इसके अलावा होते हैं। मतलब कह सकते हो कि अगर हम बात करें यहाँ पे ऐसे, बेसिकली रियोलॉजी इसी के ऊपर चलती है, मोस्टली नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के ऊपर फोकस किया जाता है उसमें, ठीक है, जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हैं उनके डिफॉर्मेशन के ऊपर। तो नॉन न्यूटोनियन का मतलब क्या हो गया, इसमें कुछ ऐसे बनेगा आपका टाउ इज इक्वल टू ए डी यू अपॉन डी वाई पे पावर एन प्लस बी, ठीक। ये क्या बनता, ये ऐसे लिखते थे tau इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, यहाँ म्यू के हिसाब से ये वेरी कर रहा था, तो म्यू कॉन्स्टेंट लेके चल रहे थे। यहाँ क्या है, नॉन न्यूटोनियन का मतलब क्या है कि जब ये इसके प्रोपोर्शनल यानी विस्कोसिटी के हिसाब से ये वेरी नहीं कर रहा है, ये और भी फैक्टर लेके वेरी कर रहा है। तो वहां हमने क्या ले लिया, फैक्टर ए एन और बी, और यहाँ पे लिख देते हैं कि वेयर एन इज नॉट इक्वल टू वन। मतलब कहने का ये है कि जब ये कोई लिक्विड होगा, इन सब पे बहुत से लिक्विड आएंगे, जैसे एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, आप मान लो पेंट लिख लो, ठीक, ब्लड लिख लो, ठीक, स्टार सॉल्यूशन लिख लो, ठीक, बटर लिख लो आप लोग, ठीक, हनी लिख लो, मिल्क हो गया, तो ये सब भी तो लिक्विड है, लेकिन इनको हम इंजीनियरिंग फ्लूइड नहीं कहते हैं, क्योंकि ये सब इस न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं, जो हमने ऊपर लिखा है टाउ प्रोपोर्शनल डी यू अपॉन डी वाई। तो यानी इस लाइन के अलावा, तो न्यूटोनियन फ्लूइड की अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो देखो इसमें एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं आप लोग, एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं इसमें होता है आपका वाटर हो गया, ठीक, कह सकते हो मर्क्यूरी हो गया HG, फिर आप कह सकते हो पेट्रोल हो गया, ठीक, और जितने भी इस तरह के लिक्विड है जिनको हम डेली किसी मशीनरी में यूज करते हैं। तो इसके अलावा जब हम नेक्स्ट पे आएंगे, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड यानी इस लाइन के अलावा जितने भी इस पे प्लॉट होंगे वो सारे के सारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में आएंगे, ठीक है। तो अब दो लाइन यहां बनती है इसके अलावा, एक इसके ऊपर एक इसके नीचे, ठीक है। तो जो इसके ऊपर बनेगा ऐसे, मतलब मैं बताता हूं दो लाइन आपको, तो देखिए एक लाइन ऐसे आपकी बनेगी, एक लाइन आपकी ऐसे बनेगी, ठीक, और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों के दोनों आपके नॉन न्यूटोनियन है। ये हो गया आपका नॉन न्यूटोनियन, ठीक, ये भी आपका हो जाएगा नॉन न्यूटोनियन, क्योंकि दोनों न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो नहीं करते हैं। अब इसका नाम क्या है, जो नीचे वाला बनता है इसको हम लोग बोलते हैं डाइलेटेंट फ्लूइड, डाइलेटेंट, ठीक है, और ये जो बनता है ये होता है सूडो प्लास्टिक, इसमें पी साइलेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सूडो प्लास्टिक, ठीक। यानी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के दो नाम होंगे, डाइलेटेंट और एक आपका सूडो प्लास्टिक, ठीक है। एक में आपका क्या होगा कि एन की वैल्यू, यहाँ जो फॉर्मूला लिखा है ना इक्वेशन नंबर, इसको सेकंड मान लो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लो, तो यहाँ पे नीचे वाले में एन की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी। यहाँ पे मतलब क्या है, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे एन इज ग्रेटर देन वन एंड बी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एन लेस देन वन एंड बी इज इक्वल टू जीरो, यानी इस फॉर्मूले को
अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि जब डायलेटेंट वाला आएगा यानी इस वाले लाइन के लिए n की वैल्यू एक से बड़ी होनी चाहिए, और जब n की वैल्यू एक से छोटी होगी तो ये आ गया सूडो प्लास्टिक फ्लूइड में। ठीक है, तो अब इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं, तो जैसे डायलेटेंट का अगर बात करो आप लोग तो डायलेटेंट में आप कह सकते हो कि ये अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स होते हैं और इनकी विस्कोसिटी बढ़ती है शियर स्ट्रेस लगाने के ऊपर, सॉरी यूनिट स्ट्रेन लगाने के ऊपर, यानी जैसे पर यूनिट स्ट्रेन देखा जाए तो डायलेटेंट फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या होगी, वो बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां अगर मैं ऐसे लिखूं यहां पे ये हेडिंग आपकी हो गई नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, विच डू नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यहां लिख सकते हो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में विच डू नॉट ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, मतलब जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आएगा आपका नॉन न्यूटोनियन में आपका हो गया एक आपका पहला लिखते हैं फर्स्ट वन दैट इज डाइलेटेंट, डाइलेटेंट फ्लूइड। ठीक है, ब्रैकेट में n ग्रेटर देन 1 b इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन की बात करेंगे। ठीक, अब डाइलेटेंट फ्लूइड में क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या लिखना है आपको यहाँ पे, कि पॉइंट आपका क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, इसमें लिखोगे आप विस्कोसिटी इंक्रीजेस अंडर यूनिट स्ट्रेन, मतलब इसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी अंडर यूनिट स्ट्रेन। ठीक है, एक पॉइंट हुआ ये आपका। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फ्लूइड होंगे कौन से फ्लूइड होंगे जिनका आप लिखोगे अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स इन सस्पेंशन, अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स इन सस्पेंशन, मतलब सबसे जो बहुत फाइन पार्टिकल होंगे, फॉर एग्जांपल कह सकते हो आप लोग शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है, राइस स्टार्च सॉल्यूशन, मतलब जैसे देख रहे हो ना कि चीनी को आप कहीं पानी में घोल दोगे तो उसके पार्टिकल नहीं दिखाई देंगे आपको, बहुत फाइन पार्टिकल हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो इसमें आप लोग, एग्जाम्पल्स में क्या हो गया, शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है, राइस स्टार्च जो चावल का माड़ होता है जिसको आप लोग बोलते हो घर पे जैसे देखते हो, तो राइस स्टार्च सॉल्यूशन भी ऐसा हो गया। ठीक है, और करेक्ट हो एक्वस सस्पेंशन ऑफ राइस स्टार्च हो ही गया आपका, और ये आपका कहलाएगा, मतलब जैसे विस्कोसिटी बढ़ती है तो इसी को हम लोग बोलते हैं शियर थिकनिंग फ्लूइड भी कहा जाता है, मतलब डायलेटेंट फ्लूइड को एक और नाम से जाना जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज शियर थिकनिंग, मतलब जब स्ट्रेन लगाई जाएगी तो ये और मोटे होते जाएंगे, शियर थिकनिंग। ठीक है, तो ये हो गया डायलेटेंट, यानी पहला नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में कि ये क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। राइस स्टार्च हो गया, कॉर्न स्टार्च भी हो जाएगा, मतलब जो ऐसे, मतलब जैसे आपको समझ में आ गया होगा कि जो इस तरह के आपके पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, जैसे साल्ट सोल्यूशन हो गया, मतलब ऐसे पार्टिकल जो बहुत ज्यादा फाइन होते हैं जिनको आप अपनी आंखों से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, जो एकदम घुलनशील होते हैं। ठीक है, अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स की बात हो रही है, दैट इज डाइलेटेंट फ्लूइड। ठीक, इसमें दूसरा आपका आएगा सूडो प्लास्टिक, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं सूडो प्लास्टिक के ऊपर।
जरा एक से फोटो खींच देना कल में। सो आई थिंक ये नोट हो गया आप लोगों का। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग सेकेंड वाले पे, जो इसमें है सूडो प्लास्टिक फ्लूइड। तो मैं ऊपर से कुछ मिटा दे रहा हूँ ताकि एक स्क्रीन पे आपके आ जाए पूरी चीजें। ठीक, न्यूटोनियन तो समझ ही गए होंगे आप लोग। न्यूटोनियन फ्लूइड मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ आप लोगों को, अगर कंफ्यूजन होगा तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हो वहां से। ठीक, अब आते हैं सेकेंड वाले पे जो हमारा सूडो प्लास्टिक है, बी वाला। बी आपका है सूडो प्लास्टिक। ठीक, अब इसमें क्या होगा, सूडो प्लास्टिक का जो प्रॉपर्टी, मतलब जो आप कह सकते हो कि टर्मिनोलॉजी में क्या कह रहा है कि n लेस देन 1 एंड b इज इक्वल टू 0, यानी इस फॉर्मूले 1 में, किसमें, इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक, और यहां पे ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड ये है, इसमें सूडो प्लास्टिक वाले का ये फॉर्मूला हो गया। यहां भी कह सकते हो इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब यहां पे फिर अगर इसकी बात करें आगे हम लोग, तो इसमें क्या होगा, तो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो टर्म्स इसके आएंगे, पहला कंडीशन क्या होगा, यहां लिखा है विस्कोसिटी इंक्रीजेस, यानी डाइलेटेंट में विस्कोसिटी बढ़ती है, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा विस्कोसिटी डिक्रीजेस, विस्कोसिटी डिक्रीजेस अंडर यूनिट स्ट्रेन, अंडर यूनिट स्ट्रेन। ठीक है, अब पहले प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरा, जैसे यहां अल्ट्रा फाइन था, तो यहां हो जाएगा सिर्फ फाइन पार्टिकल्स इन सस्पेंशन, फाइन पार्टिकल इन सस्पेंशन। ठीक, इसके बाद यहां लिखा है ऑल्सो कॉल्ड एज शियर थिकनिंग, तो यहां क्या हो जाएगा, शियर थिनिंग हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, शियर थिनिंग, शियर थिनिंग फ्लूइड्स, मतलब जो जिनकी शियर स्ट्रेस करते हो घटेगी, मतलब उनकी थिनिंग होगी, मतलब पतले होंगे, यहां पे थिकनिंग होगी, तो यानी वो और विस्कस हो जाएंगे। तो इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे जो मेन है आपके लिए एग्जाम्पल्स के तौर पे। अब इसमें आएगा आपका एग्जाम्पल में ब्लड, ठीक है, मिल्क, ठीक, बटर, ठीक है, पेपर पल्प, जो पेपर बनता है, तो जब पेपर को लिक्विफाई करते हैं इसके पहले प्रोसेस में, तो पेपर पल्प होता है। ठीक है, तो पेपर पल्प हो गया, पेपर पल्प के अलावा पेंट कह सकते हो आप लोग, पेंट हो जाएगा। ठीक, हनी हो जाएगा। ठीक है, मतलब इतने सारे एग्जांपल हो गए सूडो प्लास्टिक। तो यानी अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो, सभी लोग ब्लड देखे होंगे, मिल्क देखे होंगे, हनी देखे होंगे, पेंट देखे होंगे, तो ये सारी चीजें क्या हैं, मतलब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सारे के सारे सूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स हैं। ठीक है, यानी ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के दो हिस्से होंगे, डाइलेटेंट और सूडो प्लास्टिक। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में एक आ गया डाइलेटेंट, दूसरा हो गया सूडो प्लास्टिक। ठीक है, इनके
क्या क्या टाइप्स हैं, तो ये ज्यादा आप देखते हो डेली लाइफ में अपने, ठीक है। यानी जैसे अगर इस पे स्ट्रेन लगाया जाए चेंज करने को, जैसे पेंट है, तो आपने कभी एनालाइज किया है, जैसे पेंट अगर डब्बे में रखा है तो बहुत गाढ़ा होता है, लेकिन जब पेंट को आप ब्रश लेके दीवार पर लगाना शुरू करते हो तो उसकी विस्कोसिटी घट जाती है, मतलब वो और आसानी से उस पर फैलता है, ठीक है। शहद है रखा रहेगा तो वो आप गाढ़ा लगेगा, लेकिन अगर उसको आप फ्लो कराना शुरू करो, या आप ब्रश लेके या कोई स्पून लेके उसको इधर उधर लगाना शुरू करो, तो उसकी विस्कोसिटी आपको लगेगा कि हाँ घट गई है और वो हल्का फ्लो कर रहा है। तो आप ऐसे समझ सकते हो सूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स के बारे में, ठीक। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये जेली आप देखते हो लेकिन बस इसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हो कि कैसे इसको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में कैसे कहा जा रहा है, कैसे बताया जा रहा है इसको, ठीक है। तो ये नोट डाउन करना हो तो लिख लीजिए सूडो प्लास्टिक के बारे में। एक्चुअली ये आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये काफी जगह से निकाला गया मैटर है। कोई भी बुक देखोगे आप लोग अपने आर के बंसल या आर के राजपूत, तो उसमें ये चीजें नहीं दी गई हैं इतने डिटेल में, उन्होंने बस डायग्राम बना के छोड़ दिया है। तो ये चीजें मतलब एक स्टडी करके नेट से निकाली गई हैं, बहुत से सोर्सेस से लेकर के इसको बनाया गया है, तो नॉर्मल आपको किसी बुक में जल्दी एक साथ नहीं मिलेगा ये चीजें। तो अगर आपको नोट करना हो तो इसको नोट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। अब इसके ऊपर आते हैं, इसके अलावा क्या क्या फ्लूइड हो सकते हैं। तो देखो अगर हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड की बात करें तो इनके अलावा ही बहुत से फ्लूइड होते हैं जिनको हम लोग कह सकते हो कि डेली लाइफ में और भी देखते हो। तो जैसे अगर हम बात करते हैं अब आइडियल फ्लूइड्स के ऊपर, तो आइडियल फ्लूइड वह फ्लूइड होगा, जैसे अगर इसी के ऊपर हम डिस्क्राइब करें टाइप्स ऑफ फ्लूइड, तो मैं सोचता हूँ उसको लास्ट में बताऊँ क्या आप लोगों को, या देख लो। जैसे आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या होगा, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। आई थिंक ये टॉपिक तो हो गया होगा पूरा। ठीक है, तो देखो अब मैं इसको समझाने जा रहा हूं, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या पढ़ाया है। पहला न्यूटोनियन फ्लूइड, जहां पे टाउ प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई होता है, मतलब शियर स्ट्रेस वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ साथ चलेगा। उसके लिए जितने इंजीनियरिंग फ्लूइड होंगे, जितने भी इंजीनियरिंग फ्लूइड होंगे, मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि ये भूल जाएगा आप लोग को, ऑल इंजीनियरिंग फ्लूइड्स, ठीक है। जैसे वाटर, पेट्रोल, और भी हो सकता है किरोसिन ऑयल कह सकते हो, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूं मैं, किरोसिन ऑयल, ठीक है, डीजल, ठीक। मतलब जितने भी फ्लूइड, मरकरी हो गया, वाटर, मतलब जिन फ्लूइड से कोई मशीनरी चलती है। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर कोई मशीन है, ठीक है, अगर आप उसमें सोचो पेंट भर दो, जैसे आपकी गाड़ी का इंजन है तो बाइक के इंजन में अगर पेंट भर दोगे तो क्या होगा, कुछ समय बाद वो जम जाएगा टाइम डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो फंक्शनैलिटी खराब हो जाएगी उसकी। तो हम लोग ऐसे फ्लूइड लेते हैं जिनका मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन में या टाइम डिपेंडेंसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे पानी है, इस बॉटल के अंदर अगर ये पानी रखा हुआ है, तो ये पानी ऐसे आज भी है, 6 महीने बाद भी ऐसे होगा, साल भर बाद भी ऐसे रखा रहेगा। अगर डिस्टिल्ड वाटर है तो ना इसमें बैक्टीरिया आएंगे ना कुछ होगा, ऐसे कैसे एयर टाइट है तो पड़ा रहेगा। लेकिन आप पेंट नहीं रख दो, पेंट को क्या करो, अगर डब्बे में रख दो तो 6 महीने अंदर जम जाएगा वो, ठीक है। तो यहां समझाने का मतलब ये है कि जो इंजीनियरिंग फ्लूइड्स हैं, यानी जिनके ऊपर हमारे इंजीनियरिंग पे हम काम करते हैं, जैसे पानी आप फ्लो कराते हो, अगर पानी पेंट की तरह होता तो शायद आपका हर समय पाइप चोक करता, पंप चोक कर जाते, जम गया भाई ये साफ करो वगैरह वगैरह चीजें, ठीक है। ये देखते हो ना कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो नगर निगम के पंप होते हैं वो खराब होते रहते हैं एक्चुअल, क्योंकि वो स्लज पंप करते हैं, सीवेज पंप करते हैं, तो वहां वो चोकिंग कंडीशन आती है, वो खराब हो जाते हैं, ठीक है, वो चीजें इसमें नहीं होती हैं। तो ऐसे ही वाटर है, मर्क्यूरी की बात करते हैं, एचडीएम में लिखा है, तो आप मर्करी समझो, तो मर्करी क्या है, मैनोमीटर जितने भी होते हैं जहां से हम प्रेशर मेजर करते हैं, तो वो सब मर्करी लगाए जाते हैं, क्योंकि मर्करी का क्या है, सबसे डेंस लिक्विड है हमारे लिए,
और उसकी प्रॉपर्टी एटमॉस्फेरिक या टेम्परेचर या प्रेशर वेरिएशन चेंज नहीं करती है। मतलब मरकरी पे हम प्रेशर कितना भी लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर जाए। जबकि पेंट को क्या देख रहे हैं, पेंट को अगर हम प्रेशराइज कर रहे हैं, स्ट्रेन दे रहे हैं, तो वो तुरंत डिफॉर्म कर जा रहा है तेजी से। अगर ऐसा होता तो मेजरमेंट खराब हो जाती है हमारी। जैसे आप बीपी ब्लड प्रेशर नापते हो अपना, उसमें मरकरी रहती है, मैनोमीटर में मरकरी रहती है, अगर वो प्रेशर के ऊपर चेंज होने लगता तो फिर वो मेजरमेंट गलत आती है आपकी। तो मतलब जितने भी टेक्निकल लाइन में हम फ्लूइड यूज करते हैं वो सारे होते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। और इनके अलावा भी बहुत से फ्लूइड हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज तो करते हैं लेकिन इंजीनियरिंग पर्पज से नहीं, जैसे हनी है, ब्लड है, मिल्क है, पेपर पल्प है, स्टार सोल्यूशन है, ये सारी चीजें यूज होती हैं, लेकिन ये भी फ्लूइड है लेकिन अपार्ट फ्रॉम न्यूटोनियन फ्लूइड। तो अब आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होगा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होगा। तो अब आते हैं आइडियल फ्लूइड के ऊपर, आइडियल प्लास्टिक, आइडियल सॉलिड के ऊपर, ठीक है। तीन फ्लूइड और बचे हुए हैं, पांच टोटल होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर, इसको मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि इसीलिए मैं बता रहा था कि एक तो जगह कम है यहाँ पे, तो ये चीजें मैं मिटाना चाह रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि मैं अब इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस लेक्चर में। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जो इसकी हेडिंग जैसे थी, मुझे जो पढ़ाना था वो था आपका टाइप्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है। लेकिन मैंने शुरुआत ऐसे की कि आपको कुछ इंटरेस्ट बना रहा है क्योंकि नॉर्मली लिख दूंगा समझ नहीं आता। तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड की अगर बात करते हैं तो देखो, पहला आता है इसमें आइडियल फ्लूइड, ठीक है, या जो मैं लिख चुका हूँ उसको लिख देता हूँ, फिर उसके आता हूँ क्योंकि इसको मैं पढ़ाना भी चाहता हूँ। तो इसमें टाइप्स ऑफ फ्लूइड में अगर आते हैं हम लोग, तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड की अगर बात की जाए तो हमने क्या पढ़ लिया अभी, हमने पढ़ लिया है न्यूटोनियन फ्लूइड पढ़ लिया, ठीक, ये हो गया पहला। उसके बाद ये हो गया दूसरा आपका नॉन न्यूटोनियन, ठीक है, ये दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम आते हैं तीसरे पे, तीसरा हमारा क्या है आपका, तीसरा आपका है आइडियल फ्लूइड, ठीक है। अब आइडियल फ्लूइड मतलब आइडियली कोई फ्लूइड प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, मतलब ऐसे समझो कि आइडियल कोई फ्लूइड नहीं होता है। तो आइडियल फ्लूइड की कंडीशन क्या होती है, पहला पॉइंट क्या कहता है आइडियल फ्लूइड का, पहला होता हैविंग जीरो विस्कोसिटी। मतलब कहने का ये हो गया कि म्यू इसका जीरो होगा। तो कोई ऐसा लिक्विड अभी तक नहीं मिला है कोई फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लिख सकते हो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, मतलब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, वाटर कुछ हद तक होता है इसलिए वाटर को आइडियल फ्लूइड मान लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल यानी डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। तो आइडियल फ्लूइड क्या हो जाएगा आपका, जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो, डेंसिटी कांस्टेंट हो। तो कुछ होता नहीं है लेकिन अप्रॉक्स अगर कोई एग्जांपल लिया जाए, अप्रॉक्स कोई एग्जांपल लिया जाए तो हम वाटर को आइडियल फ्लूइड कह सकते हैं। हालांकि इसमें की वाटर की विस्कोसिटी होती है, वाटर भी हाई प्रेशर पे कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। लेकिन इन जनरल हम जहां यूज करते हैं जिस सिस्टम में, उसके विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग वाटर इनविसिड और इनकम्प्रेसिबल मान लिया जाता है। तो इस लाइन पे कहां बनेगा, जीरो शियर स्ट्रेस होगा। जब म्यू जीरो हो गया तो खत्म भाई, जब विस्कोसिटी है ही नहीं तो विस्कोसिटी की वजह से शियर स्ट्रेस आता था,
यानी टाउ जो था इक्वल टू म्यू डीयू अपॉन डीवाई लिखते थे इस फॉर्मूले में से, टाउ इज इक्वल टू म्यू डीयू अपॉन डीवाई। तो जब म्यू है ही नहीं तो टाउ होगा ही नहीं, ठीक है, यानी इस लाइन का मतलब हो गया जीरो। तो आएगा कहां पे आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड आपका इस लाइन पे आएगा, दिस लाइन इज कॉल्ड एज आइडियल फ्लूइड, मतलब जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो, यहां लिख सकते हो ब्रैकेट में टाउ इज इक्वल टू जीरो, म्यू इज इक्वल टू जीरो, डेंसिटी इज इक्वल टू, मैंने रो लिखा है, रो आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, रो का मतलब क्या होता है डेंसिटी, ठीक। यहां इसको लिख लेता हूं मैं, दिस इज डेंसिटी, ठीक है। अब आते हैं चौथे वाले पे, ये तो क्लियर हो गया आइडियल फ्लूइड, इसके अलावा जो होगा वो होगा रियल फ्लूइड, मतलब डी वाला पार्ट कर लेते हैं, तो डी आपका हो जाएगा, कह सकते हो रियल फ्लूइड, तो ये तो बट ऑबियस है, ऑल प्रैक्टिकल फ्लूइड्स, मतलब जो भी प्रैक्टिकल फ्लूइड्स हैं, जितने भी फ्लूइड हम यूज करते हैं वो सब के सब, सब में विस्कोसिटी होती है, मतलब लिख सकते हो हैविंग विस्कोसिटी एंड, और क्या कह सकते हो, विस्कोसिटी के अलावा एंड कंप्रेसिबल, यानी जितने भी फ्लूइड इसके अलावा बचे हैं ये सारे हो जाएंगे रियल फ्लूइड में, ठीक। आइडियल हो गया, रियल हो गया। अब आते हैं पांचवा जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज कह सकते हो प्लास्टिक का जाएगा, या आप कह सकते हो आइडियल प्लास्टिक या बिंगम फ्लूइड का जाता है इसको। तो ये हो गया ई वाला पार्ट, जिसको हम लिखेंगे आइडियल प्लास्टिक और बिंगम फ्लूइड, ठीक है, आइडियल प्लास्टिक या इसको कह सकते हो बिंगम फ्लूइड। अब इसका मतलब क्या है, प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक का मतलब ये हो गया कि जिन चीजों में आप कहते हो कि परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, मतलब कि वो पहले कुछ स्ट्रेस लेंगे अपने आप को, अपने स्टेट को चेंज करने के लिए। जैसे आपका टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट के ट्यूब में अगर आप पानी भर दोगे तो बिना कंप्रेस किए ही पानी बाहर आ जाएगा, लेकिन आप सुबह टूथपेस्ट यूज करते हो तो क्या करते हो, आपको हाथ से उसको प्रेस करना पड़ता है बाहर निकालने के लिए, यानी वो भी फ्लो करता है, ठीक है, लेकिन आपको कुछ स्ट्रेस लगाना पड़ता है इनिशियली, उसके बाद उसको काउंटर करने के बाद वो फ्लो करता है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, वो इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए आप लोग, आइडियल प्लास्टिक में इनिशियल स्ट्रेस होगा, पहला पॉइंट क्या लिख दोगे आप लोग, हैविंग इनिशियल स्ट्रेस, इसके पास इनिशियली कुछ स्ट्रेस होगा, ठीक। तो यानी यहां कहीं आपका, अगर इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूं इस लाइन को, ये डायग्राम मैं और ऊपर लिख देता हूं, रियोलॉजिकल डायग्राम का, इसको और ऊपर ले चलते हैं, ठीक है, ये हो गया शियर स्ट्रेस वाला टर्म, और जो हम पढ़ रहे हैं वो आपका है ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल स्ट्रेस कुछ होगा, ठीक है, यानी यहां कहीं तक होगा आपका इनिशियल स्ट्रेस। तो अगर इसको हम लोग यहां से बनाते हैं ऐसे, ये लाइन, ठीक है, तो ये जो वैल्यू यहां से यहां तक है ये आपका हो गया टाउ नॉट, मान लेते हैं इसको टाउ जीरो, मतलब ये लाइन जो होगी इसको आप कह सकते हो यहां से इनिशियल स्ट्रेस, जैसे टूथपेस्ट होता है इनिशियल कुछ आपको लगाना पड़ता है उसमें, ठीक, ये हो गया इनिशियल स्ट्रेस, और यही कहलाएगा आपका आइडियल प्लास्टिक, या इसको बिंगम प्लास्टिक भी कहा जाता है, ठीक है। अब
इसमें भी जैसे एग्जांपल पे लिख सकते हो आप लोग सीवेज स्लज, ठीक है, ड्रिलिंग मड, जब कोई ड्रिलिंग होती है मड में तो वहां जो मड निकलता है, ठीक है, ड्रिलिंग मड हो गया आपका, जेल जो आप जेल यूज करते हो, ठीक है, टूथपेस्ट, मैं अगर यहां लिखता हूं ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है, जैसे इसमें लिख देता हूं टूथपेस्ट, आपको समझ में आ जाएगा, एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, टूथपेस्ट हो गया, ठीक है, स्लज हो गया, ये आपको क्लियर हो रहा होगा अब यहां से, ठीक है। अब इस आइडियल फ्लूइड के भी दो टाइप्स होते हैं आपके, एक आपका होगा कह सकते हो आइडियल प्लास्टिक वाले में दो आएंगे, थिक्सोट्रॉफिक और रियोपेक्टिक, ठीक है, दो आपके इसमें होते हैं थिक्सोट्रॉफिक और रियोपेक्टिक, ठीक। तो इसके ऊपर जो लाइन आएगी, यानी जो ये वाली लाइन होगी, एक लाइन ये और एक लाइन ये नीचे, जैसे इसमें दो बनाया गया था, ठीक है, तो ऊपर वाला क्या होगा थिक्सोट्रॉफिक और ये आपका हो जाएगा रियोपेक्टिक फ्लूइड, ठीक है, थिक्सोट्रॉफिक फ्लूइड और रियोपेक्टिक फ्लूइड, ठीक। अब यहां पे कंडीशन क्या होगी आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड की, अगर रियोपेक्टिक फ्लूइड की बात की जाए तो n ग्रेटर देन 1, यहां लिखोगे कंडीशन में आप लिख दोगे ब्रैकेट में n ग्रेटर देन 1 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी अब इस फॉर्मूले में, यानी जो हम लोग फॉर्मूला लिखते थे tau इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy पे पावर n लिखा गया था, तो यहां पे क्या था प्लस b भी था, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब इसमें n की वैल्यू 1 से ज्यादा थी, b की वैल्यू अब 0 नहीं होगी, और ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट दिस इज कॉल्ड एज b, ठीक है, ये आपका होगा b, इनिशियल स्टेज इसको कहेंगे, ठीक। यानी इस फॉर्मूले में ये पहले से लगा होगा, जैसे आपको कहीं स्लज निकालना आप देखते हो कि जैसे पानी फ्लो कर सकता है वैसे स्लज नहीं फ्लो करता, आपको कुछ स्ट्रेस और लगाना पड़ता है उसको फ्लो कराने के लिए, ठीक है, तो उस तरीके से समझो इसको, ठीक। ऐसे यहां पे क्या होगा n लेस देन 1 और b इज नॉट इक्वल टू 0, ये थिक्सोट्रॉफिक वाले का है, ठीक है, और ये इसका रियोपेक्टिक का। तो ये डायग्राम हो गया आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड का, ठीक है। और ऐसे फ्लूइड मतलब कह सकते हो फ्लूइड क्या इन द सेंस, अब इसी को समझते हैं, इसी दोनों के ऊपर रियल आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड को दो हिस्सों में बांट देते हैं, ये हटा देते हैं, न्यूटोनियन हो गया, नॉन न्यूटोनियन हो गया, ठीक है, आइडियल फ्लूइड हो गया, ठीक, रियल फ्लूइड हो ही गया, ऑल द प्लास्टिक जितने भी होंगे, ठीक। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या यहाँ पे आइडियल प्लास्टिक, आइडियल प्लास्टिक दो हिस्सों में बटेगा, ठीक है, आइडियल प्लास्टिक आपका दो हिस्सों में डिवाइड होगा, जैसे आप कह सकते हो ए आपका क्या लिखा गया है रियोपेक्टिक लिख लीजिए, रियोपेक्टिक फ्लूइड, ठीक है, इसमें एग्जांपल के तौर पे आप क्या लिख सकते हो रियोपेक्टिक फ्लूइड में, आप लोग कह सकते हो कि जैसे लुब्रिकेंट्स हो गए, ठीक है, प्रिंटर्स इंक हो गए, मतलब टाइम डिपेंडेंट होता है, इसमें प्रॉपर्टी क्या होगी, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी आपकी, लिख सकते हो टाइम डिपेंडेंट, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इंक्रीज इन विस्कोसिटी, एग्जांपल जैसे ले लो आप लोग पेंट, ठीक है, प्रिंटर्स इंक, जैसे देखते हो प्रिंटर की इंक जम जाती है, ठीक है, तो ये भी इसका एग्जांपल हो गया,
जिप्सम हो गया, मतलब ऐसे फ्लूइड जो कुछ समय के बाद जम जाए, ठीक है, टाइम के साथ, तो ये हो जाएंगे रियोपेक्टिक फ्लूइड कहलाएंगे। ये प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हो ना कि प्रिंटर नहीं यूज करते हो तो बहुत दिन बाद प्रिंटर की इंक जम जाती है, ठीक है, तो टाइम डिपेंडेंट हो गया, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब आइडियल प्लास्टिक में दूसरे पे आते हैं, बी वाला, बी वाले में अगर आते हैं हम लोग, तो इसमें क्या कह सकते हो आप लोग, टाइम डिपेंडेंट हो गया। रियोपेक्टिक में क्या है, सॉरी ये आपका है थिक्सोट्रॉफिक, थिक्सोट्रॉफिक फ्लूइड, इसमें क्या कह सकते हो आप लोग कि थिक्सोट्रॉफिक में ये भी टाइम डिपेंडेंट होता है लेकिन ये शीयर थिनिंग होता है, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टीज में कह सकते हो कि टाइम डिपेंडेंट बट शीयर थिनिंग, टाइम डिपेंडेंट बट शीयर थिनिंग, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, इनेमल्स हो गए, इसका एग्जांपल क्या हो गया, जो इनेमल पेंट होते हैं, या ऐसे कह लो आप लोग एग्जांपल में कह सकते हो इसमें क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल मतलब रखे रखे ये और पतले हो जाएंगे, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, और एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हो इनेमल्स हो गए, कैस्टर ऑयल हो गया, बेंटोनाइट सोल्यूशन हो गया, जो इनेमल पेंट आते हैं ये भी रखे रखे पतले हो जाते हैं, इनेमल्स हो गए, ठीक है, जैसे बेंटोनाइट सोल्यूशन हो गया, बेंटोनाइट सोल्यूशन हो गया, जिलेटिन जेल हो गया, मतलब ये ऐसे फ्लूइड्स हैं जो आपका रखे रखे जम जाए, मतलब पतले हो जाएंगे और, ठीक है, और हाँ ठीक है, इतने एग्जांपल्स काफ़ी हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसके अलावा ऐसा कोई चीज जो इस लाइन में फॉलो कर रहा होगा शियर स्ट्रेस वाले पे, मतलब जिसमें कोई वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं मिलेगा, ऐसे फ्लूइड हो सकते हैं जिसमें कोई ग्रेडियंट ना मिल रहा हो ऐसे भी कुछ, तो उसमें हम लोग कह देंगे इसको आइडियल सॉलिड, जो इस वाली लाइन पे चल रहा होगा ये आपका हो जाएगा आइडियल सॉलिड, मतलब जिसमें कोई चेंज नहीं, वैसे ब्लैक बोर्ड, चॉक, ये सब हो गया आपके आइडियल सॉलिड, ठीक। तो इस लेक्चर में उन्होंने क्या चीज़ पढ़ा, पांच चीज़ों के बारे में पढ़ा, पांच टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में, मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। पहला न्यूटोनियन फ्लूइड, जैसे वाटर, मर्करी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ठीक। उसके बाद आया नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन में क्या हो गया, दो आ गए आपके, पहला डायलेटेंट और उसके बाद आपका सूडो प्लास्टिक। डायलेटेंट में क्या क्या हो गया आपका, डायलेटेंट में आप कह सकते हो सिंपल, जैसे आप स्टार सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, ये हो गए। सूडो प्लास्टिक यानी इसमें आप कह सकते हो कि ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया, ये सारे हो गए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के, न्यूटोनियन और ये हो गया नॉन न्यूटोनियन। इसके बाद आ गया आपका आइडियल प्लास्टिक, यानी टूथपेस्ट, स्लज, मड, ड्रिलिंग मड वगैरह, ये सब आ गए, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया थिक्सोट्रॉफिक, ठीक, थिक्सोट्रॉफिक के बाद आपका हो गया रियोपेक्टिक। तो थिक्सोट्रॉफिक में क्या आ जाएगा, थिक्सोट्रॉफिक में बेंटोनाइट सोल्यूशन, इनेमल्स, क्रूड ऑयल वगैरह हो गए। रियोपेक्टिक में क्या हो गया आपका, सिंपल कह सकते हो पेंट, प्रिंटर, इंक, जिप्सम, यानी जो चीज टाइम के साथ जम जाए, ठीक है, टाइम डिपेंडेंसी हो और विस्कोसिटी बढ़ेगी उसकी, तो ये सब आ जाएंगे पेंट, प्रिंटर, इंक, जिप्सम वगैरह। और इसमें क्या था कि जो टाइम अगर घट जाए, जैसे बेंटोनाइट सोल्यूशन हो गया, ये क्रूड ऑयल, इनेमल्स, जिलेटिन जेल, ये रखे रखे पतले हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें विस्कोसिटी इनकी घट जाती है, तो उनको थिक्सोट्रॉफिक कहेंगे। नीचे जो लाइन है आइडियल फ्लूइड, इसकी जीरो विस्कोसिटी, इनकम्प्रेसिबल हो गया आपका, ठीक है, ये सारी चीजें इस पे आ गई, ये हो गया आइडियल सॉलिड। तो ये एक क्लासिफिकेशन था फ्लूइड का जिसको हमने पढ़ा रियोलॉजिकल डायग्राम के अंडर में, ठीक है। तो काफी लंबा टॉपिक था, है टॉपिक छोटा, जैसे बुक में देखोगे तो बुक में वगैरह में केवल एक डायग्राम बना के छोड़ दिया है, कुछ बताया नहीं गया आप लोगों को, ठीक है। तो ये आप अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, मतलब आप तैयारी कर रहे हो जैसे जेई वगैरह की या कोई भी कंप्यूटर एग्जाम के लिए, तो पूछ देता है
कि ऑब्जेक्टिव पूछेगा प्रिंटर या पेंट इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड, ऑप्शन देगा कौन सा फ्लूइड होगा, ठीक है, तो आपको उसमें खोजना पड़ेगा पूरा। ब्लड इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड, एग्जाम्पल दे देगा आपको, ये ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो ये चीजें बुक में नहीं दी गई हैं, आप कोई भी बुक देखना उसमें ये चीजें नहीं दी गई होंगी, ये सारी चीजें बहुत जगह से निकाली गई हैं, तो आपको दिया जा रहा है इन चीजों को। अगर इसमें भी कोई दिक्कत आपको है लेक्चर 18 वगैरह में, तो आप इस पे नीचे कमेंट कर सकते हो, कोई भी फ्लूइड में कुछ दिक्कत आएगी तो इसको मैं दोबारा फिर से किसी लेक्चर में और समझा दूंगा। आई थिंक मैंने कवर करने की कोशिश की है पूरी कि जो इसमें कवर हो जाए, अगर कुछ बचता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसको फिर आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।